हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। अच्छा से पढ़ाई करते रहिएगा हमेशा। और इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ मैथ्स का क्वेश्चन पेपर 2020 का, मैट्रिक का, जो कि इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन लिख के कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये रहा आप लोग का सामने क्वेश्चन। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, हम आपका चैप्टर का लिख भी दिए हैं। उस चैप्टर में आप लोग को मिल जाएगा, जैसे कि नंबर वन का सी लिखा है, नंबर टू का टू ए, क्वेश्चन नंबर वन का टू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थ्री का जब करेंगे तो चैप्टर फाइव में मिल जाएगा, एक्सरसाइज फाइव भी, क्वेश्चन नंबर आपका थ्री का फोर मिल जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर इस फोर के लिए सिक्स ई में मिल चैप्टर सिक्स ई में मिलेगा, फाइव के लिए चैप्टर एट सी में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर टू का फोर मिल जाएगा आपका, नंबर सिक्स का नंबर चैप्टर 10 पेज 305 है, पेज सेवन का चैप्टर 12 है पेज 335 है, तो एक्सरसाइज चैप्टर 15 ए क्वेश्चन नंबर वन का वन है। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा तो आपको सारा मिल जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो क्योंकि हम इसको आपका सॉल्व भी दिखाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये पेज भी अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और वीडियो को स्टॉप करके आप लोग का चैप्टर एक्सरसाइज पेज नंबर सभी दिया गया है, तो इस लोग को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट ये पेज देख लीजिए अच्छी तरह से, ये रहा आप लोग का, तो अच्छी तरह से देखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट पेज भी चलते हैं। तो ये देखिए, ये रहा सारा क्वेश्चन का हम चैप्टर पेज नंबर भी लिख दिए हैं। आप लोग देखेंगे तो आप लोग का वो चैप्टर में एक्सरसाइज में आपका मिल जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिख के अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। का नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो ये रहा आपका, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट पेज, इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में फिर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट पेज, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है 2020 का, मैट्रिक का। हम कुछ कुछ एक्सरसाइज का हम वीडियो भी बनाते हैं, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल में, और वहाँ से शाम को देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, और इसके बाद ये देख लीजिए, और इसके बाद अच्छी तरह से ये देख लीजिए, ये रहा आपका। तो चलिए अब हम आप लोग को दिखाते हैं इसका सॉल्व, जो कि आपका मार्केट में मिलता है, आप लोग भी उसको खरीद के उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए ये रहा आपका पास सॉल्व पेपर, आपका सॉल्व जो स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देख लीजिए सॉल्व पेपर है 2020 का मैथ्स का। तो अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से वीडियो को स्टॉप करके, और अच्छी तरह से देखना है तो हम वीडियो में बहुत सारा मैथ्स को वीडियो बना के यूट्यूब में हम अपलोड करते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये सब अच्छी तरह से देख लीजिए, ये देख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके अच्छी तरह से देख प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये देख लीजिए, ये रहा आपका, इसके बाद ये रहा आपका, इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका, ये सब रहा, ये रहा, ये भी सॉल्व रहा आपका। बाद ये देखिए, ये रहा आपका वीडियो, ये रहा आपका नेक्स्ट पेज, सारा क्वेश्चन का सॉल्व दिया हुआ है यहाँ में, लेकिन अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा कि सॉल्व में कुछ कुछ आपका रॉन्ग भी दिया हुआ है, तो अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा और बुक से आंसर चेक कीजिएगा, बुक से आंसर मिल जाएगा तब जाके इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देख लीजिए अच्छी तरह से, फिर ये देखिए,
ये देखिए, ये रहा आपका सामने, ये रहा आपका सामने। ये शॉप देख लीजिए, अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पेज ये रहा, ये देख लीजिए, इसका बहुत सारा एक्सरसाइज का हम सॉल्व भी किए हैं यूट्यूब में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं किस तरह से ये सब सॉल्व होता है। ये देख लीजिए, मस्ती से प्रैक्टिस कीजिएगा, एंजॉय करके प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ्स को एकदम जान मान लीजिएगा अपना, मैथ्स का एकदम अपना जानू मान लीजिएगा, समझिएगा मैथ्स जो है सब आपका लाइफ है। जब मैथ्स आप इंटरेस्ट से करेंगे ना तो आपका बहुत ही इंटरेस्ट लग जाएगा, क्योंकि मैथ्स जो होता है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। मैथ्स से जब आपका प्यार हो जाएगा ना तब आपका मैथ्स एकदम आसान लगने लगेगा। मैथ्स से प्यार किस तरह से होगा, प्रैक्टिस करके आपका प्यार हो जाएगा मैथ्स से। मैथ्स बहुत आसान होता है, आपका हार्ड नहीं होता है। मैथ्स से अच्छी तरह से कीजिएगा तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा मैथ्स। मैथ्स से प्यार कीजिएगा और अच्छी तरह से ये सब वीडियो को स्टॉप करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये रहा, तो चलिए कुछ कुछ हम बता भी देते हैं आइडिया के लिए। हालांकि यूट्यूब में हमारा वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। तो ये देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजर 98। कुछ नहीं करना है, एलसीएम करना है आपको 98 का। 2 4 जाए 8 होता है, 1 1 के 13 हो जाए, 2 9 जाए 18 होता है, 7 7 जाए 49 होता है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 98 लिखेंगे तो 2 × 7 लिखेंगे, फिर इसका 2 × 7 को स्क्वायर कर दीजिएगा। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 का क्या है आपका 1, तो एक्सपोनेंट ऑफ 7 का क्या होगा आपका 2 होगा। तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट करेंगे, ये 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 करेंगे तो आपका आंसर आपका ये मिल जाएगा। तो इसी तरह से फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको आपको फार्मूला में लेके जाना है। तो सबसे पहले आप लेंगे लेट, इसको लेट 49x² - 64 = 0 मानेंगे। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका 7 स्क्वायर, और 64 का क्या आएगा 8, 64 का क्या आएगा आपका 8 स्क्वायर। ये देखिए यहाँ में दिया हुआ है, तो 7² - 8² = 0। अब इसको आप फार्मूला में सेट कर सकते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है तो फार्मूला हम बता देते हैं। जब भी आपका ए स्क्वायर होगा और इसका बी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है, आप लोग को भी याद होगा, एक बार प्लस में लिखा जाता है यानी कि a+b, और नेक्स्ट ब्रैकेट में एक बार माइनस में लिखा जाता है यानी कि a - b होता है। तो क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिखना है यानी कि इसको ये a है और ये b है, यानी कि a+b। a का वैल्यू कितना है आपका बताइए बताइए, 7x। बी का वैल्यू कितना है आपका 8, यानी कि 7x + 8, और यहाँ में 7x - 8। तो 7x + 8, 7x - 8 = 0। आइदर जब करेंगे तो ये आप इसका साथ 0 ले लीजिएगा, यानी कि 7x + 8 = 0। फिर 7x = ये पता ही है, यहाँ ट्रांसफर होगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा, जब ये प्लस है इस तरफ होगा तो आपको क्या हो जाएगा -8। और जब कोई नंबर या अल्फाबेट में मल्टीप्लाई होता है कोई भी नंबर, तो बाई में आता है तो क्या हो जाएगा 8/x। सेम
सेम आप इसी सॉल्व कीजिए, इसको जीरो का साथ ले लीजिएगा, यानी कि 7x-8 इक्वल टू जीरो, 7x इक्वल टू 8, देयरफॉर x इक्वल टू 8/7। इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये सब अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो इसमें आपका जो, अब इसका भी देखिए, फॉर द एपी, इसको सीरीज बोला जाता है, एपी का ये सीरीज है। इसको फर्स्ट वाला को मानेंगे आप A1, सेकेंड वाला होता है A2, ये A3, ये A4। A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसमें क्या लिखा है, राइट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका 1/4 होगा। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है आपका, चलिए हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2-A1। तो चलिए इसका सॉल्व बता देते हैं। ये AP का आपका सीरीज गिवन है, फर्स्ट टर्म यानी कि हम आपको बोले थे फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट नंबर होता है 1/4, सेकेंड टर्म आपका था 1/2, इसका थर्ड टर्म 3/4 और फोर्थ टर्म यहाँ में दिया है 1। उसके बाद लगाएंगे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, तो डी इक्वल टू होता है A2-A1। तो A2 कितना दिया है 1/2, माइनस का साइन देंगे, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। A1 कितना है 1/4 है। तो अब इसको क्या करेंगे आप लोग बताइए क्या करेंगे, LCM करेंगे। 2 और 4 को LCM करेंगे तो 2, 4 को LCM करेंगे तो आपका 2 1 2, 2 2 4, तो आपका LCM क्या मिलेगा 4। इसको अच्छी तरह से समझिए, पहले इसको इसको एलसीएम करना है, ऐसा पहले लाइन टान देना है, इसको इसको एलसीएम करना है तो इधर 4 लिखना है। अब रूल क्या बोलता है अच्छी तरह से समझिए, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, जितना मिलता है इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और एक बार, ये नंबर को एलसीएम वाला नंबर से डिवाइड करेंगे, जितना मिलेगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैसे होगा। ये नंबर को ये नंबर से डिवाइड करेंगे, जितना मिले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए, ये 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 1 जा 2, माइनस का साइन देंगे, 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1, 1 1 जा 1, तो इसको माइनस करेंगे तो 1/4। ये कॉमन डिफरेंस मिल गया। इसमें राइट द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मीन्स होता है नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला, फिफ्थ टर्म हो जाएगा यानी कि A5 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका A4+D। ये फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, यानी कि A5 होगा तो A का साथ यहाँ में 1 कम होता है, यहाँ अगर 5 होगा तो क्या हो जाएगा A4, और A4 का वैल्यू कितना दिया है आपका 1, तो 1 लगा देंगे। D का वैल्यू कितना मिला 1/4, इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे तो आपका इसका भी आंसर आपका मिल जाएगा। जिस तरह से हम LCM बताए हैं वैसा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसका नीचे क्या बैठा देंगे आप लोग, 1 बैठा दीजिएगा, इसको इसको समझ तो 4 मिलेगा। अब वही है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 1 जब 4 हो जाएगा, फिर 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 मिलेगा, 1 1 जब 1 हो जाएगा, तो करेंगे तो 5/4। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी एक होता है नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला। अगर A5 निकालने जाएंगे तो एक तो फॉर्मूला था A4, एक कम हो जाता है, और एक फॉर्मूला है आपका A1+D का साथ एक कम कर दीजिए, 5 है तो एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4D। मान लीजिए यहाँ में A10 होता तो हम क्या लिखते हैं A1+90। अगर A10 होगा तो D का साथ एक कम होगा, 1 इसमें से माइनस कर दीजिए, D का साथ वो नंबर लगा दीजिएगा। जैसा कि एग्जांपल हम बोलेंगे आपको, अगर एग्जांपल बोलेंगे जैसा कि मान लीजिएगा A10 आपको फाइंड करना है तो क्या होगा बताइए, A1 तो A1 रहेगा और D 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 9, तो 9D लिख लीजिएगा, इसलिए 9D लिख लीजिएगा। अब A1 आपका कितना है, A1 कितना है, जितना होगा उतना देख लीजिएगा, फिर 9 × D जितना मिलेगा उतना। जैसा कि इसका मान लीजिएगा A5 निकालना है तो A1+4D होता है, बताइए इसमें A1 कितना है आपका, बताइए 1/4 है। अब बताइए 4 × D कितना है आपके पास, 1/4 यहाँ भी, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इसको फिर LCM का साथ करना है सॉल्व, 1/4+1/1। अब इसको सम करेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। रूल क्या है, ये 4 को LCM वाला नंबर को 4 से डिवाइड करें तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करते 1। यहाँ में ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ फिर हम दिखा रहे हैं, LCM कर चुके हैं आप लोग LCM, तो LCM करेंगे तो 4 मिलेगा।
रूल क्या है, ये 4 को ये 4 से डिवाइड कर तो 1 ही होगा प्लस, अब फिर ये 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, अब 4 वन जा 4 मिलेगा तो 4। तो ये देखो दोनों तरह से सॉल्व होता है, तो यह हो जाएगा 5/4, ये हो गया आपका आंसर। ये सब अच्छी तरह से देख लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है तो आप लोग इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। हम मैथ्स का वीडियो बना बना के अपलोड करते हैं तो वो सब देख लीजिएगा, हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बता देते हैं, ये सब देख लीजिएगा, ये सभी बहुत आसान है, सब अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए आपको एक यहाँ से ये बता देते हैं, प्रूफ डैट बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग लीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये LHS लेके आपको इसको सॉल्व करना है, यही आपका आंसर है। जब आपका प्रूफ रहेगा, वेरीफाई रहेगा, तो उसका आंसर बुक में नहीं दिया रहता, आप लोग ढूंढने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा, आंसर कभी नहीं मिलेगा, बुक में आंसर नहीं दिया रहता है। जो प्रूफ रहता है, वेरीफाई रहता है, उसका आंसर आपका सामने में रहता है, क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, इसको LHS लेके सॉल्व करेंगे, इतना हम लोग को लाना है। सबसे पहले LHS इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, इस नंबर से रेशनलाइजिंग करेंगे। रेशनलाइजिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ये नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलता है न्यूमिनेटर, इसको बोलता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ का साइन देखिएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस हुआ तो क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस है तो क्या करना है हम लोग को, माइनस करना है। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू, इससे मल्टीप्लाई करना है आपको ऊपर भी नीचे भी, लेकिन इसका साइन ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस होगा तो माइनस होगा, तो माइनस कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो ये देखिए ये आपका होल्थिंग स्क्वायर हो जाएगा, ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला में जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम फॉर्मूला दिए हैं ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला में बैठा दीजिए, 1 का स्क्वायर तो आप 1 ही लिखिएगा माइनस साइन स्क्वायर। इसका नेक्स्ट लाइन ये आपका सेम लिखना है, सेम रिपीट कीजिए, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर लिख लेंगे। अब दोनों में स्क्वायर है तो एक ही ब्रैकेट में आप लोग को स्क्वायर ले लेना है। अब उसका बाद क्या करना है, अलग अलग कर देना है, तो इसको इसका साथ लिखना है, इसको इसका साथ लिखना है, तो 1 बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका होल्थिंग स्क्वायर। अब 1 बाय cos का होता है sec और साइन बाय कॉस का होता है 10, तो ये हो गया होल्थिंग स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं और ये मिल गया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड, लास्ट में लिख दीजिएगा प्रूफ, लिख दीजिएगा इसको अच्छी तरह से आप लोग, इसका उसका बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपका फाइन क्या करना है, देन प्रूफ दैट द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेटर पी क्यू ओ टी इज 34, इसमें भी प्रूफ करना है, यानी कि यही हम लोग का आंसर है, तो इसको प्रूफ करेंगे। तो फिगर एक आपका ये दिया हुआ है, बहुत ही इजी है फिगर आपका, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये आपका 12 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपका पी क्यू इक्वल टू पी टी हो जाता है, तो ये भी आपका 12 सेंटीमीटर होगा। फिर से हम बता देते हैं, ओ क्यू इक्वल टू ओ टी होगा, यानी कि ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, और आपका पी क्यू इक्वल टू पी टी होगा तो ये 12 होगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद ये आपको प्रूव करना है, तो पेरीमीटर का मीन्स जो होता है, मतलब जो होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि पेरीमीटर इक्वल टू सारा साइड को आपको प्लस करना है। तो चलिए यहाँ से कर दिखाते हैं, तो पी क्यू ओ टी इक्वल टू, ऐसा लिखिए पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ टी इक्वल टू, ये लिखिएगा
पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेटर पी क्यू ओ टी इक्वल टू सारा सम साइड को प्लस कर दीजिए। क्या प्लस होगा आपका पी क्यू प्लस पी टी प्लस ओ क्यू प्लस ओ टी। तो आप पी क्यू का बताइए कितना दिया हुआ है हमें, 12 लिख लीजिएगा, 12 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। प्लस पी टी का भी 12 सेंटीमीटर दिया है तो 12 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। ओ क्यू का कितना दिया है आपका, ओ क्यू का भी दिया है 5 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। और ओ टी का कितना दिया है इसका भी 5 सेंटीमीटर दे दीजिएगा। तो देख लीजिए 12 प्लस 12 24, 24 और 10 34 हो जाता है। तो 34 इसका प्रूव हो गया। इसी के साथ आप लोग बना सकते हैं इसको। चलिए और कुछ कुछ हम कोर्स के बताते हैं, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट होगा और इसमें इजी इजी सम जो होगा वो बताएंगे बाद। बाकी जो सम है आप हम मेरा यूट्यूब का वीडियो से देख सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आसान आसान वाला लोग इम्पोर्टेंट वाला इजी वाला हम आपको बता देंगे अभी। बाकी तो बहुत कुछ हम आपको दे दिए हैं, ये सबको अच्छी तरह से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए लास्ट में हम ये एक तो बता देते हैं आपको, टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। जब भी आपका डिजिट रहेगा डिजिट, तो सबसे पहले आपको लेना है लेट द डिजिट ऑफ 1 प्लस बी एक्स, लेट द डिजिट ऑफ 10 प्लस बी वाई। इसका नंबर निकालेंगे तो 1 मींस 1 को इससे इंटू करते एक्स ही होगा, प्लस का साइन दीजिएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करते 10y, यानी कि नंबर मिल गया x प्लस 10y। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा, कहीं भी रिवर्स लिखा हो रहेगा इंटरचेंज रहेगा तो आपको इसको रिवर्स कर देना, यानी कि 10 ये x का साथ चला जाएगा और ये 1 जो इसका साथ है इसका साथ आ जाएगा, यानी कि रिवर्स नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई, ये तो वाई प्लस 10x। आप इसको सभी ले सकते हैं 10x प्लस वाई, तो ये देखिए, या वाई प्लस 10x भी ले सकते हैं, सेम ही है आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए। और टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम, या टू डिजिट नंबर क्या है आपका, ये एक्स प्लस 10y, एक्स प्लस 10y दीजिएगा। मैथ्स में इज का मीन्स होता है इक्वल टू देना, 4 लिखिएगा, टाइम्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना, तो टाइम्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सम ऑफ द डिजिट, सिर्फ डिजिट का बात करें, नंबर डिजिट नहीं। जब नंबर डिजिट लगा रहेगा तो आपको ये लेना पड़ेगा या ये लेना पड़ेगा, रिवर्स में ये लेना पड़ेगा, नंबर में ये लेना पड़ेगा, नंबर लिखा रहेगा, और सिर्फ डिजिट होगा तो ये होगा। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, टू डिजिट नंबर यानी कि एक्स प्लस 10y इज मीन्स इक्वल टू 4 दीजिएगा, टाइम्स में मल्टीप्लाई होता है, किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, डिजिट को, डिजिट ये है और ये डिजिट को आपको प्लस भी करना है, क्यों करना है कि सम का मीनिंग होता है प्लस। इसका हम अच्छी तरह से बना दे बोल देते हैं, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर क्या है आपका x प्लस 10y, इसके बाद क्या इक्वल टू 4 टाइम, 4 टाइम क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द डिजिट, यहाँ सम इज प्लस होता है और डिजिट क्या है, एक x है एक y है, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 10y सेम रहेगा, इसको इसमें 4x ये 4y हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या कीजिए, y को इस तरफ लेके जाइए और x को इधर लेके जाइए, तो ये 10y इधर ही है लेकिन इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, ये 4x इधर ही है इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, इसको इसको माइनस कर 6y मिलेगा, इसको 3x मिलेगा। आप क्या कीजिए, इसको इससे कैंसिल कीजिए, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि x का वैल्यू कितना मिल गया आपका 2y। अब एंड करेंगे, एंड करेंगे तो इसका देखिए, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, ये नंबर है तो x प्लस 10y प्लस 18, ये देखिए x प्लस 10y प्लस 18 टू द नंबर, द डिजिट रिवर्स, फिर रिवर्स बन जाता है, रिवर्स नंबर क्या था आपका, y प्लस 10x या 10x प्लस y, जो भी लेंगे आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सारा अल्फाबेट को इधर लेके आएंगे और नंबर को उधर लेके जाएंगे, तो ये इधर ही रहेगा, आपका ये इस तरफ आएगा तो माइनस 10x हो जाएगा, ये तो आप इसी साइड में इधर भी जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको इधर करेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, ये माइनस 9x हो जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस 9y हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। अब इधर से माइनस 9 कॉमन निकालिए, माइनस 9 कॉमन आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से माइनस 9 कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, यहाँ से 9 बाहर निकल चुका है तो सिर्फ x बनेगा, ये माइनस प्लस क्या जो बन जाएगा माइनस, अब यहाँ से 9 बाहर नहीं हो गया तो y बचेगा,
इज इक्वल टू क्या बचा है, -18। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ये 9 1 9 हो जाएगा, 9 2 जाए कितना हो जाए 18, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिला आपको 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। उसके बाद हम लोग को देखना है, यहाँ लिखना है एक लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या है x इक्वल टू 2y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन था हम लोग का, इन इक्वेशन आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये एक्स टू वाई वाला वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन, इसको रुकिए एक मिनट यहाँ में देख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए यहाँ में इक्वेशन 2। तो यहाँ में आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 2 में बैठा दीजिएगा। इक्वेशन 2 में जब आप बैठाएंगे तो एक्स का वैल्यू हम लोग को हटाना है और एक्स का वैल्यू हटा के क्या बैठाना है 2y, तो 2y माइनस वाई इक्वल टू 2 बैठा दीजिएगा, यहाँ से y इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब y मिल गया आपको 2, तो ये वैल्यू आप लोग बैठा दीजिए इक्वेशन 1 में, फिर लिखिए अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था हम लोग का, ये था इक्वेशन 1 x इक्वल टू 2y, इसमें वैल्यू बैठा देंगे तो क्या हो जाए x इक्वल टू 2y, तो क्या हो जाए आपका x इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी कि x का वैल्यू मिल गया 4। इसका नंबर आप लोग को लेना है, तो नंबर क्या था हम लोग का पास, यहाँ है नंबर दिया हुआ x प्लस 10y, तो ये नंबर है आपका x प्लस 10y, तो x का वैल्यू हम लोग को 4 मिला है, प्लस का साइन दीजिए 10 इंटू 2 दीजिए, फिर 10 2 20 20 प्लस 2 24, ये आपका आंसर मिल गया। इस तरह से ऐसा करके आप लोग सॉल्व कीजिए, सब प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, सारा को हम दे दिए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।